हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, एक बार मुझे प्लीज़ कंफर्म करें ताकि हम अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा पाएँ। ठीक है सर मैम, सो प्लीज़ एक बार मुझे कंफर्म कर दें सभी लोग। आर यू गेटिंग माई वॉइस सर मैम्स? एवरीथिंग इज़ ओके? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं? हाय सर मैम्स, हाय, एवरीथिंग इज ओके? ओके सर मैम्स, ठीक है, डन। सो चलें सर मैम, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, सभी को मेरी आवाज़ लगता है पहुंच रही है। एवरीथिंग इज ओके ना सर मैम्स? चलिए, सो लेट्स मूव ऑन सर मैम्स। ठीक है, चलिए आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो मेरी आवाज़ क्लियर है सभी के साथ? ओके, दैट्स ग्रेट सर मैम्स। सो रकीब एंड एवरीवन, दैट्स डन। सो देखिए सर, अभी आपको मैं थोड़ा बता दूं कि अभी थोड़े से दो चार दिन की क्लास अपनी थोड़े से डिस्टर्ब रही थी, क्योंकि सुबह 8 बजे मेरी प्लस की क्लास शेड्यूल्ड हो गई थी, वो प्लस जो प्लस वाले बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन 2021 में जिनको देना है, उन सभी के लिए कुछ स्पेशल सेशंस थे, वो मुझे भी लेने थे कंटेम्प्रेरी इश्यूज वगैरह, तो वो मैंने भी किया है। तो थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस हुआ था, तो थोड़ा सा भी 8-9 तारीख 10 तारीख तक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चलता रहेगा, तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्पनसेट करते रहेंगे। राइट, लेकिन कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, ये अपना प्रॉमिस है, ये मतलब बिल्कुल कमिटमेंट है आपके साथ कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सारी चीज़ें अपडेटेड आपके पास आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेंस के लिहाज से भी हम लोग अभी बात करेंगे। तो अभी शाम के बजे हैं 4 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन दैट टाइम वुड बी कॉम्पनसेटेड, डोंट वरी फॉर दैट। जितना टॉपिक आज के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर मैम्स, कुछ भी छूटेगा नहीं आपका, आपके एग्जामिनेशन के लिए 2022 वाले बच्चों के लिए, और जिन्हें 2021 का मेंस भी देना है उनके लिए भी कुछ भी छूटेगा नहीं जो मेरी नजर में इंपॉर्टेंट आता है। राइट सर मैम्स, फटाफट सभी लोग सेशन को प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें जितने भी लोग हैं। सो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दें। हाई एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आई होप कि आप सभी लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। राइट सर मैम्स, थोड़ा सा भी टाइमिंग का लेकर थोड़ा सा प्रीलिम्स तक, थोड़ा सा 10 तारीख तक है, तो चल रहा है, हार्डली 4-5 दिन की बात है, एवरीथिंग वुड बी सेटल्ड डाउन, फिर हम लोग अपने टाइम पे वापस 8 बजे किया करेंगे, चिंता की बात नहीं है। ठीक है, एंड कभी अब डिस्टर्ब हो गया क्लास ना, तो हम लोग अन अकेडमी के ऐप पे, जो ऐप पे अपनी क्लासेस 4-5 दिन के लिए, ज्यादा नहीं, 4-5 दिनों के लिए हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन सर मैम। सो इट्स अपनी जो क्लासेस सुबह 8 बजे होती है, दिस टाइम इज फॉर 8 AM, ये एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिए, बस ये थोड़ा सा प्रीलिम्स तक के लिए, टिल प्रीलिम्स थोड़ा सा बस ये चेंज हो रहा है, टिल प्रीलिम्स के लिए, टिल प्रीलिम्स जो है ये थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, टिल प्रीलिम्स का मतलब 10th ऑफ अक्टूबर तक के लिए थोड़ा सा ये टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा टाइम चेंज कर रहा है। सो प्लीज थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं अभी, सो टाइम चेंज किया और अभी हम लोग बात कर रहे हैं 4 PM पे, ठीक है ना, और यूट्यूब पे, लेकिन कुछ भी छूटेगा नहीं, दैट इज माई कमिटमेंट सर मैम्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन सर मैम्स। सो हियर इज समथिंग अबाउट मी, थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में, इसको देख लीजिएगा, और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्लासेस के अपडेट्स, PDF वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगी, डोंट वरी फॉर दैट। राइट सर मैम्स, सो सीधे चलते हैं अपने मुद्दे के ऊपर में, सीधे क्लास के ऊपर चलते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सभी लोग आते हैं, पहले मुद्दे पे ऊपर हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, वो हमें डिस्कस करना है सर मैम्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज के, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें पहले टॉपिक जो है, पहला टॉपिक हमारे पास है वो है मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। ठीक है ना, आप जानते हैं कि एनवायरमेंट का इशू कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी सर मैम्स। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं इसमें है क्या क्या कंटेक्स्ट क्या है, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों आज न्यूज में रहा है, पहले ये जान लेते हैं ताकि हमारे पूरा का पूरा एक सीक्वेंस दिमाग में रहे। तो दरअसल क्या है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस हैं, अर्थ साइंसेस हैं उन्होंने अभी एड्रेस किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कमेमोरेटिंग द साइनिंग ऑफ मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। ठीक है ना, सो अभी इसके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जस्ट इन द कमेमोरेशन ऑफ जस्ट मैड्रिड प्रोटोकॉल जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के है टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। तो सीधा सवाल भी आपके प्रीलिम्स में एग्जामिनेशन में आता है कि जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है वो किससे जुड़ा हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। राइट सर मैम, सो मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिका ट्रीटी। राइट सर, नेक्स्ट आ जाइए, अभी हम देखते हैं
कि थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो मैड्रिड प्रोटोकॉल है इसको इंडिया ने कब इसका सिग्नेटरी हुआ एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका ये जो प्रोटोकॉल आया है इसका अंटार्कटिका पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से हम चर्चा कर लेते हैं। राइट, सो इंडिया ने साइन किया है अंटार्कटिका ट्रीटी को, ठीक है ना, और कब किया, 19 अगस्त 1983 इंडिया साइन द अंटार्कटिका ट्रीटी और 19 अगस्त 1983 एंड सून देयर आफ्टर ये रिसीव क्या करता है, कंसल्टेटिव स्टेटस। जैसे ही इंडिया ने साइन करा किसको, अंटार्कटिका ट्रीटी को, और जो है अंटार्कटिका ट्रीटी को, मैड्रिड प्रोटोकॉल जो है वो 19 अगस्त 1983 को जब इसने साइन कर दिया, तो अगस्त के बाद एक महीने के भीतर ही इंडिया को कंसल्टेटिव स्टेटस दे दिया गया। कंसल्टेटिव स्टेटस का मतलब क्या है, अभी आगे हम लोग बात भी करेंगे कि जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, जो मेंबरान हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में बैठ कर डिस्कशन करेंगे, जो भी इनके रिसर्चेस हैं, जो इनके स्टडीज है, दे विल डिस्कस अबाउट द अंटार्कटिका, ठीक है ना। सो कंसल्टेटिव का मतलब ये, इंडिया विल गेट एन इंपॉर्टेंट रोल कि आपको इसमें आपको कंसल्ट किया जाएगा, इंडिया विल बी कंसल्टेड, ठीक है ना, ओवर द मैटर्स ऑफ अंटार्कटिका फॉर इट्स कंजर्वेशन, फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, ठीक है सर। सो इंडिया को कंसल्टेटिव स्टेटस मिल गया 12 सितंबर 1983 को, ठीक है, 12 सितंबर 1983 को। नाउ मैड्रिड प्रोटोकॉल वाज साइंड बाय इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 14 जनवरी 1988। और जो इंडिया ने क्या किया, मैड्रिड प्रोटोकॉल को साइन किया, ये कब, ये इंडिया ने साइन किया, ये इंडिया मैड्रिड प्रोटोकॉल को साइन करता है कब, जो साइन करता है, और विच केम इनटू इफेक्ट, जो हम लोग बात करें, ये 14 जनवरी 1998 को आता है, 14 जनवरी 1998 को, ठीक है। अब भाई आप ये दो चीज और भी समझ लेते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द 29 कंसल्टेटिव पार्टीज टू द अंटार्कटिका ट्रीटी, ठीक है ना। अब ये जो अंटार्कटिका ट्रीटी है ना, इसमें कुल मिलाकर के 29 सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, और इंडिया इज वन अमंग देम, ठीक है ना। ये कौन सा, जिसको कि कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, कंसल्टेटिव जो कंसल्टेटिव पार्टीज हैं, दैट इज कॉल्ड, जिन्हें कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है, सो दैट इज 29 कंट्रीज, इंडिया इज वन अमंग देम, राइट सर मैम्स, सो इंडिया इज वन अमंग देम, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी डिटेल में सारी चीजें चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंडिया जो है एक मेंबर है, मेंबर है किसका, काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिका प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड कॉमनैप, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कॉमनैप है क्या। दूसरा है स्कार, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक कमिटी ऑफ अंटार्कटिका रिसर्च, इन दोनों के बारे में भी डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मैनेजर्स ऑफ नेशनल अंटार्कटिक प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड कॉमनैप, एंड साइंटिफिक कमिटी ऑफ अंटार्कटिक रिसर्च, दैट इज कॉल्ड स्कार, राइट। All these representations show that the significant position that India holds among the nations involved in Antarctica research. क्योंकि जितने भी member, जो भी organizations हैं, bodies हैं, इसमें India का स्थान होना, India को consultative status मिलना, that shows the importance of India in the क्या है, in the research process of Antarctica, in the research process at Antarctica, right, sir and ma'am? So that shows India's stature in research and Antarctica, right, sir and ma'am? अब आइए, व्हाट इज एन अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव पार्टी, इसका मतलब क्या है, जो इंडिया को जो अभी कंसल्टेटिव स्टेटस दिया गया है इसके मायने और मतलब क्या है, व्हाट इज इट मीन, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, राइट सर एंड मैम्स, ठीक है। सो इसका स्टेटस देखते हैं, एवरी ईयर द ओरिजिनल, जो हमारे पास 12 पार्टीज हैं टू द ट्रीटी, एंड दोज पार्टीज दैट डेमोन्स्ट्रेट देयर इंटरेस्ट इन अंटार्कटिका बाय कंडक्टिंग सब्सटैंशियल रिसर्च एक्टिविटी देयर टुगेदर कॉल्ड द कंसल्टेटिव पार्टीज meet for the purpose of exchanging information, consulting together on matters of common interest. So every year, the original, jo 12 parties hain to the treaty, and those parties that demonstrate their interest in Antarctica by conducting substantial research activity, they are together called consultative parties. Theek hai na? So jo hum dekhte hain ki ye jo hain, jo those parties jo ki demonstrate karte hain their interest in Antarctica for substantial research and activity, they are called collectively consultative parties. Consultative parties jinki sankhya अभी कितनी है, 29 है, और जब इसकी स्थापना की गई थी, at that time it was having with only 12 members, ठीक है ना। So originally it was 12, it is now 29. अभी कितना हो गया, 29 हो गया, and India is one among them. So together called consultative parties, for किसके लिए, जो कि demonstrate करते हैं interest in Antarctica, ठीक है, meet for the purpose of exchanging information exchange करेंगे, consult करेंगे together and on matters of common interest, ठीक है ना। So ये सारी चीजें ये आप यहाँ पर करने वाले हैं, right sirs and ma'ams, are you getting my points, hello everyone, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं सर, चलिए, done sirs and ma'ams, आ जाइए, डन सर, सो वी डिड, ठीक है ना। सो इतना हमने कर लिया, अब आइए देखते हैं सर क्या है। सो इंडियाज रिसर्च स्टेशन ऑन द पोल्स, अब इसी कंटेक्स में अभी हमें ये देखना पड़ेगा
कि दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इंडिया अंटार्कटिका में ही नहीं बल्कि आर्कटिक में भी इंडिया जो है वो एक्टिव है, उसमें रिसर्च में एक्टिव है। तो जितने भी दोनों पोल के ऊपर में इंडिया के जो भी स्टेशन हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग रख लेते हैं। पहले अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे, फिर आर्कटिक में जो हमारे रिसर्च स्टेशन हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइट सर एंड मैम्स, सो इंडिया का दो एक्टिव रिसर्च स्टेशन है कहाँ पे, वो अंटार्कटिका में। दो एक्टिव रिसर्च स्टेशन है, दैट इज इन अंटार्कटिका। एक है हमारे पास मैत्री, दूसरा है हमारे पास भारती। ठीक है ना, मैत्री जो कि कमीशन हुआ था 1989 में, और जो भारतीय वो कमीशन हुआ है अभी हाल में, दैट इज इन 2012। ठीक है ना, जो मैत्री है दैट इज इन जो है सी रामाशर हिल्स पे है, और ये है लार्समैन हिल्स के ऊपर अंटार्कटिका में। ठीक है ना, भारतीय इज ऑन लार्समैन हिल्स, और जो है आपके पास मैत्री है वो सिर मासर जो हिल्स है इसके ऊपर में है। राइट सर मैम, सो मैत्री एंड भारती। और अभी तक अगर हम लोग बात करेंगे, इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द अंटार्कटिका टिल डेट। और अभी तक जब से इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, किसके अंदर में, इसके डेवलपमेंट को लेकर, किसके डेवलपमेंट को लेकर के, तो अंटार्कटिका के डेवलपमेंट को लेकर के, तब से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो है वो अंटार्कटिका में टिल डेट किए जा चुके हैं सर एंड मैम। 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपेडिशन टिल डेट सर एंड मैम। ठीक है, इसके अलावा सर एंड मैम, तो ये दो हो गया हमारा अंटार्कटिका में, मैत्री एंड भारती, दोनों के लोकेशंस भी हम लोगों ने देख लिए। और तीसरा हमारे पास है वो है आर्कटिक में, दैट इज कॉल्ड हिमाद्री, हिमाद्री स्टेशन। यो न्यू एलिसेंड में है, सवाल बार्ड में, आर्कटिक में, दैट इज इन द आर्कटिक, जो हिमाद्री स्टेशन दैट इज इन आर्कटिक। राइट सर मैम, सो विद इंडिया, विद दिस इंडिया नाउ बिलोंग्स टू द elite group of nations that have multiple research station within the polar regions. ठीक है ना, so with this India now belongs to the elite group of nations. भारत वैसे देशों के श्रेणी में शामिल हो चुका है जिनके पास एक नहीं कई जो रिसर्च स्टेशन है इन पोलर regions में, चाहे वो अंटार्कटिका हो या आर्कटिक हो। राइट सर एंड मैम्स, सो दीज आर आवर इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये याद रखिएगा, कई बार ये भी एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है कि अंटार्कटिका में हम लोग कौन कौन सा हमारा रिसर्च स्टेशन है, आर्कटिक में हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन है। अगर हमने पर्टिकुलर होकर इसको ध्यान में नहीं रखा, अगर हमने याद नहीं करा, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैत्री, भारती और हिमाद्री ये किस पे है, अंटार्कटिका पे कौन सा है, आर्कटिक पे कौन सा है, कौन से हिल्स पे है, कौन से आइलैंड पे। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा सर एंड मैम्स। वेरी बेसिक थिंग दैट वी कीप टू दैट नीड टू बी केप्ट इन योर माइंड सर एंड मैम्स। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, सब आ जाइए, हम लोग बात करें जो प्रोटोकॉल है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लेकर के टू द अंटार्कटिका ट्रीटी वो साइंड इन मैड्रिड। अब ये जो प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के, किसके, अंटार्कटिका को लेकर के, सो टू द अंटार्कटिका ट्रीटी वो साइंड इन मैड्रिड। ठीक है, तो अंटार्कटिका के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के जो प्रोटोकॉल ट्रीटी साइन किया गया है वो मैड्रिड में साइन किया गया, ये ईयर्स बैक, दैट इज इन अक्टूबर 1991 में, यानी 4 अक्टूबर 1991 को किया गया था, एंड दैट केम इनटू इफेक्ट इन 1998, जो कि अभी इंटर्ड किया गया इफेक्ट में आया 1998 में, लगभग 7 साल के बाद, आफ्टर 7 ईयर्स। राइट सर एंड मैम्स, सो इट डिजिग्नेट्स अंटार्कटिका एज ए नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। ठीक है ना, और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द अंटार्कटिका है, इसके अंतर्गत डिजिग्नेट किया गया अंटार्कटिका को, डिजिग्नेटेड अंटार्कटिका एज अ नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। ठीक है ना, जो कि शांति और विकास के लिए डिवोटेड है। राइट सर एंड मैम्स, हाय विशाल, शीतल झालरिया आज दिखाई नहीं दे रही है, शीतल आर यू हियर? आई एम गुड अंजलि। थोड़ा मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा कि 10 तारीख तक थोड़ा सा माहौल अपसेट थोड़ा सा रहेगा, डोंट वरी फॉर दैट, थोड़ी सी चीजें चलती रहेंगी प्रीलिम्स को लेकर के, क्योंकि अभी मेरी क्लास अपनी बाय डिफॉल्ट आ गई थी 8 बजे सुबह की, तो मुझे मजबूरी में लेना पड़ा, अदरवाइज आपके टाइम को कोई चेंज मैं नहीं कर रहा होता। सो कुछ दिनों की बात थी, ये ऑलमोस्ट सेटल हो गया, तो बस 9 तारीख 10 तारीख तक, यानी कि प्रीलिम्स तक थोड़ा सा हम लोग अपसेट हैं, अदरवाइज हमारे टाइम, कल तो अपनी सुबह 8 बजे ही क्लास होगी, परसों भी सुबह 8 बजे ही क्लास होगी अपनी। ठीक है ना, ये दोनों क्लासेस अपनी सुबह 8 बजे हो जाया करेंगे। ठीक है, 8-9 को देखते हैं कि थोड़ा सा इधर टाइम चेंज होगा, और 10 को तो प्रीलिम्स ही है, तो थोड़ा सा उसमें गहमा गहमी रहेगी, तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज कॉपरेट कर लीजिएगा। राइट सर मैम्स, ठीक है, चले सो नेक्स्ट आ जाइए सर मैम। अभी बातें हैं कॉम नैप के ऊपर में, कॉम नैप, अच्छा कॉम नैप, ठीक है ना सर, कॉम नैप के ऊपर हम लोग बात करें, व्हाट इज कॉम नैप, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कॉम नैप क्या है, ये आपने देखा था क्या कि कॉम नैप के बारे में, इंटरनेशनल एसोसिएशन है जिसके 1988 में फॉर्म किया गया था, जो कि क्या करता है कि जितने भी नेशनल अंटार्कटिका प्रोग्राम के जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, दैट ब्रिंग्स टुगेदर इट्स मेंबर्स हु आर नेशनल अंटार्कटिका प्रोग्राम्स। ठीक है ना, अब नेशनल अंटार्कटिका प्रोग्राम क्या है सर, आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, दैट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग
एंड सपोर्टिंग साइंटिफिक रिसर्च इन अंटार्क्टिका ट्रीटी एरिया, ठीक है ना। सो इनका काम क्या है, जो नेशनल अंटार्क्टिका प्रोग्राम्स है, डिलीवर करना, सपोर्ट करना साइंटिफिक रिसर्च को इन द अंटार्क्टिका ट्रीटी एरिया ऑन बिहाफ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स एंड इन द स्पिरिट ऑफ अंटार्क्टिका ट्रीटी, ठीक है सर्स एंड मैम्स। सो दिस इज द थिंग सर्स एंड मैम्स, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, याद एक बात समझ गए। सो एट प्रेजेंट कॉमनैप कंसिस्ट ऑफ 31 नेशनल अंटार्क्टिका प्रोग्राम मेंबर्स, ठीक है, और वर्तमान में इस कॉमनैप के अंतर्गत कुल मिलाकर 31 नेशनल अंटार्क्टिक प्रोग्राम मेंबर्स हैं सर्स एंड मैम्स, इसको भी ध्यान में रखें। अब इस स्कैर के बारे में भी बात कर लेते हैं, व्हाट इज अ स्कैर, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक कमेटी ऑन अंटार्क्टिका रिसर्च, ठीक है ना, साइंटिफिक कमेटी ऑन अंटार्क्टिका रिसर्च दैट इज कॉल्ड स्कैर इज अ थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल साइंस काउंसिल दैट इज कॉल्ड ISC एंड वॉज क्रिएटेड इन 1958 सर्स एंड मैम्स। सो साइंटिफिक कमेटी ऑन जो अंटार्क्टिका रिसर्च है स्कैर इज अ थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल एंड वॉज क्रिएटेड इन ईयर इन 1958 सो राइट सर्स एंड मैम्स। तो जितने भी ये साइंटिफिक टर्म्स है ना सर्स एंड मैम्स को प्लीज ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। सो जितने भी टर्म्स है ना इन टर्म्स को ध्यान में, जो कि रेगुलर हमारे सामने नहीं आते हैं, जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, इनको थोड़ा सा ध्यान में प्लीज रखिएगा, ठीक है ना। सो 1958 नाउ स्कैर इज चेंज्ड, स्कैर इज चार्ज्ड विद इनिशिएटिंग डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हाई क्वालिटी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन द अंटार्क्टिका रीजन, ठीक है ना। जो स्कैर है ये इसके पास का काम क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है, जस्ट टू इनिशिएट करवाना, इनिशिएटिंग डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग हाई क्वालिटी इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन द अंटार्क्टिक रीजन इंक्लूडिंग द सदर्न ओशन एंड ऑन द रोल ऑफ अंटार्क्टिका रीजन इन द अर्थ सिस्टम, ठीक है सर सर मैम। सो इट इज द प्रिसाइज फंक्शन ऑफ स्कैर दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। सो कॉमनैप भी आपने देख लिया, स्कैर भी आपने देख लिया, अभी तक जो आपको न्यूज में लिखा होगा केवल और केवल हम लोगों ने मैड्रिड प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा, मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है अंटार्क्टिका के ऊपर में, सो दैट्स ओनली वेरिड, लेकिन साथ ही साथ हमें इसके बारे में ध्यान रखना होगा व्हाट इज कॉमनैप एंड व्हाट इज स्कैर दैट यू विल नॉट फाइंड इन द न्यूज पेपर टूडे, ठीक है सर्स एंड मैम्स। तो इन चीजों को भी आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स, दैट इज एसोसिएटेड विद इट। सो स्कैर जो है ना प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एडवाइस टू अंटार्क्टिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स, ठीक है ना। सो ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, सो इट प्रोवाइड सिंपली ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एडवाइस। सो इसका मतलब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइजरी बॉडी, ठीक है ना, दैट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एडवाइजेस टू अंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस सच एज UNFCCC एंड IPCC ऑन इश्यूज ऑफ साइंस एंड कंजर्वेशन अफेक्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ अंटार्क्टिका एंड सदर्न ओशन ऑन द रोल ऑफ अंटार्क्टिका रीजन इन द अर्थ सिस्टम, ठीक है ना। सो ये काफी इंपॉर्टेंट अभी हो गया है हमें, क्योंकि आप देखेंगे कि अंटार्क्टिका में काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ गई है, पूरा ग्लोबल एक्टिविटी वहां पर बढ़नी शुरू हो गई है। सो UNFCCC या IPCC इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि किस तरीके से इश्यूज ऑफ साइंस है, जो कंजर्वेशन है, जो अफेक्ट करे पूरी तरीके से अंटार्क्टिका के मैनेजमेंट को लेकर के एंड द सदर्न ओशन को लेकर के, उनके रोल के ऊपर में या जो अर्थ सिस्टम है इनका रोल क्या है आर्टिक रीजन का इन द अर्थ सिस्टम, ये सारी चीजों के बारे में जानना और समझना के लिए ये जो है हमारे पास ये कंसल्टेटिव मीटिंग करवाता है, दैट इज कॉल्ड स्कैर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में, जब हमारे लिए एनवायरमेंटल इशू इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, राइट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। हाई सुप्रिय सिंह, ठीक है। सो सभी लोगों ने समझ लिया, इतनी बातें सभी लोग समझ गए, सो दैट शुड बी, दैट मस्ट बी क्लियर सर्स एंड मैम्स। तो इतनी चीजों को नोट डाउन करते चलिए, जो लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं आप इसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि इससे कुछ भी आपके बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। और अभी आपने देखा होगा कि जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को चलाया था, किसका श्योर शॉट प्रोग्राम चलाया था, प्रिलिम्स के लिए सारे सब्जेक्ट का चलाया था, POP चलाया था, प्रिलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाया था मैंने आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स का, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स। और अभी चल रहा आपका फुल लेंथ अभ्यास, ठीक है, चार सेशंस हो चुके हैं, अभी चार पांच और अभी मैं करूंगा आपके साथ, जो आज नहीं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों 9 तारीख तक अपने चलता रहेगा, ठीक है ना, वो करते रहेंगे हम लोग। दो दो सेशन चल रहा है अपना, पूरा फुल लेंथ दो दो घंटे का चल रहा है, जो प्रिलिम्स दे रहे हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसको डोंट मिस दैट, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो प्लीज डू ज्वाइन दैट सर्स एंड मैम्स, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए मेरे साथ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाती है, या जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड TIWB, TWIB, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है ना, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखिए क्या है कि अभी एक्चुअली क्या है कि जो भी डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो भी विकासशील राष्ट्र हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, उन सभी के टैक्सेशन के सिस्टम में उनको हेल्प करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव है, कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही है कि उनको असिस्ट करना, हेल्प करना। और इंडिया ने अभी इस साल अभी देखेंगे जो ये मीटिंग हुई है वो सेशल्स को लेकर हुई है, सेशल्स, मैप में सेशल्स को लोकेट भी कर लीजिएगा कि वेयर सोशल सेशल्स इज लोकेटेड, राइट।
और अभी जून में ही 2021 में ही, कुछ महीने पहले की बात है, भूटान के लिए भी भारत ने क्या किया, उसमें शामिल किया, ट्यूब में शामिल हुआ था टैक्स इंस्पेक्शन विदाउट बॉर्डर्स में भूटान को लेकर के। सो जून में जो अगर इस बार प्लेम्स 2021 में आ रहा है तो भूटान याद रखिएगा, और अभी 2022 के लिए जो अभी हो रहा है दैट इज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, दैट इज फॉर सेशल्स के लिए हो रहा है, छोटा सा आइलैंड है सेशल्स, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है, ट्यूब जो है ये यूएनडीपी है, दैट इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ओईसीडी का, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट का है, ठीक है ना, डेवलपमेंट का है, ठीक है ना। सो ये जो है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ट्यूब जॉइंट इनिशिएटिव हो गया यूएनडीपी का एंड ओईसीडी का, ठीक है ना। अभी इनने क्या किया है, ट्यूब ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम किसके लिए, सेसल्स के लिए, ये कब किया है, कल किया है, दैट इज कॉल्ड ऑन 4th of October, ठीक है ना, 4th of October 2021। सो ये अभी हुआ है सेसल्स के लिए, ठीक है ना, और अभी जून में जो हुआ था दैट वॉज फॉर भूटान, राइट सर्स एंड मैम्स, ठीक है, भूटान के लिए हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। सो इंडिया वॉज चूजन एज अ पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज प्रोवाइडेड टैक्स एक्सपर्ट्स फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है ना। सो इंडिया वॉज चूजन एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज प्रोवाइडेड टैक्स एक्सपर्ट फॉर दियर प्रोग्राम, फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। सो इंडिया हैज चूजन एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैज प्रोवाइडेड टैक्स एक्सपर्ट टू दिस प्रोग्राम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये ट्विब है दैट इज कॉल्ड टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस प्रोग्राम में इंडिया को ऑप्ट किया गया, चुना गया है, ठीक है ना, एज पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडिया करेगा क्या, जो भी इंडिया का अपना टैक्स एक्सपर्टीज है, जो टैक्स एक्सपर्टीज है, जो इंडिया के पास अपना नॉलेज है, जो उनके प्रैक्टिसेस है, जो बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस है टैक्सेशन को लेकर के, ऑडिटिंग को लेकर के, वो शेयर करेगा और दूसरे कंट्रीज को मदद करेगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्स मैनेजमेंट में, राइट सर्स एंड मैम्स। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्विब प्रोग्राम, ट्विब प्रोग्राम का ये ऑब्जेक्टिव है। सो इंडिया वॉज चूजन एज द पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइडेड द टैक्स एक्सपर्ट फॉर दिस प्रोग्राम, राइट सर्स एंड मैम्स, आई होप यू मस्ट बी गेटिंग इट, ठीक है ना। सो आई बिलीव कि इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज, राइट। सो नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्विब प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बता ही दिया, इट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू, बट स्टिल इन वर्ड्स आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, ठीक है। सो प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ 12 मंथ्स ड्यूरेशन, ये जो प्रोग्राम है सेसल्स के लिए ये कितना है, एक साल का है, जबकि भूटान के लिए जो शुरू हुआ था जून में 2021 में दैट वॉज फॉर 2 years, 24 मंथ्स के लिए था प्रोग्राम, सेसल्स के लिए एक मंथ के लिए। So this program is expected to 12 months duration, during which India in collaboration with TWIB Secretariat and support to the UNDP country offices in Mauritius and Seychelles aims to aid Seychelles. Seychelles strengthening its tax administration, iske tax administration ko mazboot kiya jaye by transferring technical know-how and skills to its tax auditors through sharing of best audit practices. So simple is that, जो कि मैंने आपसे share ही कर रखा है कि इनको जो best of the trade practices है, tax practices, वो आपको क्या करना है, share करना है, right sales and maps, ठीक है। So this program is the 6th TWIB program which India has supported by providing tax experts, ठीक है ना। So ये हमारे पास हो गया, the focus on the program it will be on transfer of pricing cases of tourism and financial service sectors, ठीक है, इनके लिए transfer pricing cases के लिए आपको help किया जाएगा, and program is the 6th TWIB program hai which India has supported by providing tax expert, right sirs and ma'ams. So India has supported by providing tax expert sirs and ma'ams, theek hai, sabhi log samajh pa rahe hain, done, itna ho gaya hamare paas, theek hai, chaliye ab aaiye hum log baat karte hain about TWIB, TWIB ke bare mein thoda sa jaan lete hain. TWIB jo hai sir, ye ma'am, ye kya ek capacity building program hai, TWIB is what, it is a capacity building program, theek hai na. It is a joint OECD UNDP initiative hai, OECD और UNDP का इनिशिएटिव है जो अभी हमने आपको बताई है, और ये स्टार्ट हुआ था कब, ये हुआ था आपका जुलाई 2015 में, टू स्ट्रेंथन डेवलपिंग कंट्रीज ऑडिटिंग कैपेसिटी एंड मल्टीनेशनल कंप्लायंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, ताकि क्या किया जा सके कि जो ऑडिटिंग कैपेसिटी है डेवलपिंग कंट्रीज को, उसको मजबूती प्रदान किया जा सके, उन्हें नो हाउ बताया जा सके, स्किल बताया जाए, एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर किया जा सके, ताकि उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना, किसके लिए, ऑडिटिंग कैपेसिटी एंड मल्टीनेशनल जो कंप्लायंस होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें इनको हेल्प मिल सके, ठीक है सर्स एंड मैम्स। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम, राइट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। इट डिप्लॉयज क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना, और ये जितने भी इनके जो क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स होंगे ना, ठीक है ना, वो इनको डिप्लॉय करेंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज में, किसके, सो इट डिप्लॉयज क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स, यानी कि हम अपने एक्सपर्टीज शेयर करेंगे इनके ऑफिशियल्स के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को, अक्रॉस अफ्रीका में, एशिया में, ईस्टर्न यूरोप में, लैटिन अमेरिका में एंड द कैरिबियन, टू हेल्प बिल्ड टैक्स कैपेसिटी, टू बिल्ड टैक्स कैपेसिटी इन द एरियाज ऑफ ऑडिट, ऑडिट में, क्रिमिनल टैक्स इन्वेस्टिगेशन में,
एंड द इफेक्टिव जो यूज है ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन के रूप में सर्स एंड मैप. सो दिस इज अबाउट योर ट्विप प्रोग्राम, राइट सर? इज इट क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? ट्विप के बारे में समझ में आ गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्विप. अब देखिए, इंडिया का कई जगहों पे जो रोल है ना, जहां पे पढ़ाई लिखाई की बात आती है, इंडिया को बड़ा ही इज्जत की नजर से देखा जाता है, इंडिया को बड़ा ही प्यार से बुलाया जाता है, उनको उनसे बोला जाता है कि भाई शेयर करें. इससे इंडिया का जो फ्रेंडली जेस्चर भी है ना, और जो इंटरनेशनल स्टेचर है, वो भी काफी इंप्रूव हो रहा है. सभी लोग समझ पा रहे हैं सर? तो यहां पर सारी चीजें क्लियर है? एक बार प्लीज मुझे थम्सअप करें सभी लोग, बता दीजिए यहां तक चीजें एकदम क्लियर है, होनी चाहिए एकदम बिल्कुल क्लियर है यार. समझ रहे हैं आप लोग सभी लोग? इतनी बातें स्पष्ट है जो समझा रहा हूं मैं, सच समझिए कि ये एकदम रामबाण है. सटीक पॉइंट्स आपको देता हूं, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिए आप, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना? सो एवरीथिंग इज ओके सर्स एंड मैम्स? होना भी चाहिए, क्लियर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना? ओके, मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है. ओके, रीना, सुप्रिय, तृप्ति. तृप्ति इज द ओनली रिस्पॉन्स सी हैज गिवन, बाकी लोगों का पता नहीं है. हाँ, रितु तितोरिया. ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना? आपने थोड़ा सा, कुछ लोगों ने आपने बताया, रिस्पांस दिया, कुछ लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, ठीक है? मोनिका, धनबाद. ओके सर्स एंड मैम, मैं सच बता रहा हूँ कि आप इतना कर लेंगे ना, तो आप ये यकीन जान लीजिए कि आप जो है सो पर्टिक डे मेरे साथ करने में 5 से 6 टॉपिक भी करते हैं, तो करीब जो है सो 150 से 180 टॉपिक होता है. और 150 का मतलब है, अगर आप उसको 10 महीने से मल्टीप्लाई करें तो 1500 टॉपिक आप करते हैं. और इससे बाहर यूपीएससी का क्वेश्चन कहाँ जाने वाला है? अगर आपने पूरा का पूरा 1.5 साल का कर लिया तो इससे बाहर जाने की संभावना ही नहीं है. और ये पूरी तरीके से यूपीएससी के पैटर्न पे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है सर सिन्हा? चलिए चलिए, कुछ लोगों का रिस्पांस आ गया, सो आगे बढ़ना चाहिए, मुझे यही चाहिए था रिस्पांस. नाउ, ट्विप असिस्टेंस हैज लेड टू इंक्रीज डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन सम लेस डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? सो ट्विप का जो असिस्टेंस है हैड लेड टू इंक्रीज डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी करवाया इन्होंने, इसमें हेल्प किया, ठीक है ना? टू द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड LDCs इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? इनके साथ जो उनका भी अपना है, उनको भी, उनको हमने एक तरीके से एम्पावरमेंट का काम कर दिया. तो जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन वो खुद भी करते हैं लोकली. इन जून 2021 जो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च प्रोग्राम इन भूटान, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि 2021 में किसके लिए किया गया था, दैट इज इन द भूटान के लिए. याद रखिएगा कि अगर 2021 के प्रिलिम्स में आ जाए कि अभी रिसेंटली किसके लिए किया गया, या जून 2021 दे दे, तो दैट वाज फॉर भूटान के लिए ट्विप प्रोग्राम आया था, ठीक है ना? और ये 2 साल के लिए था, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा. और अभी अक्टूबर में अगर हम लोग बात करें, अक्टूबर 2021 में अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो है हमारे पास किसके लिए है, दैट इज फॉर सेसल्स के लिए है, सेसल्स के लिए है, ठीक है सर सर मैम्स? सो दैट इज फॉर 1 ईयर, ठीक है ना? ये 1 ईयर के लिए सेसल्स के लिए, राइट सर सर मैम्स? चलिए, सो ये याद रखना है सर सर मैम्स, ठीक है, डन. दो टॉपिक हम लोगों ने कर लिया. जो तीसरा टॉपिक है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, NDPS एक्ट, ठीक है ना? अभी आप जान ही रहे हैं, सभी पूरी दुनिया इसके लिए अभी जान रही होगी, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंस है, एक्ट है, दैट इज कॉल्ड NDPS, वो इंपॉर्टेंट है. क्यों है? आप जानते हैं बॉलीवुड एक्टर हैं जो आप सुपर स्टार हैं, शाहरुख खान, उनके बेटे हैं आर्यन खान. आर्यन खान एंड उनके साथ सहयोगी हैं 7 अदर्स, उनको बुक किया है, उनको पकड़ा गया है, किसके अंतर्गत? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, NCB ने, चार्ज्ड विद वेरियस सेक्शंस ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड NDPS एक्ट, कि उनको पकड़ा गया है, रंगे हाथ पकड़े गए हैं वो, ठीक है, ऐसा न्यूज में देखने को मिला है, ठीक है ना? तो अब इसकी वजह से ये एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, क्या चीजें हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमारे इंपॉर्टेंस है कि ये जो एक्ट है हमारे पास, NDPS एक्ट, वो एग्जैक्टली है क्या, इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हमें करनी है, क्योंकि हम लोग तो ब्यूरोक्रेसी में आने वाले हैं, तो हमें तो ब्यूरोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना और समझना पड़ेगा. सो डिटेल करते हैं. जो NCB है, नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसने क्या है, किया है, आर्यन खान को 4 सेक्शंस में NDPC एक्ट के 4 सेक्शन के अंतर्गत तो उनको बुक किया है. NDPS एक्ट के अंदर, PS एक्ट के अंतर्गत जो है, हम देखेंगे NDPS जो हमारे पास एक्ट है, इसमें 4 सेक्शंस के ऊपर उन्हें जो है बुक किया गया, 4 सेक्शंस के अंतर्गत उन्हें बुक किया गया है सर्स एंड मैम्स, ठीक है? 4 सेक्शंस सो फार, अभी तक. ये सेक्शंस कौन कौन से हैं? इस एक्ट का सेक्शन 8C, ये कहता क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इट सेज 8C, इस सेक्शन में ये कहा गया है कि ये सेक्शन जो NDPS का एक्ट का है, जो सेक्शन 8C, जिसके अंदर आर्यन खान को बुक किया गया, इनमें 4 में से एक क्लॉज ये भी, सेक्शन ये भी है, इसके अंदर ये वाइड प्रोविजन है किसको लेकर के, प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पजेसिंग, सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, यूजिंग, कंज्यूमिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग एनी नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ठीक है ना? सो ये जो है कि कोई भी आपके पास जो नारकोटिक ड्रग है या साइकोट्रॉपिक है, इसका अगर आप तो उत्पादन कर रहे हो,
ठीक है ना, उत्पादन प्रोड्यूशन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उत्पादन यानी उपज कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसको पजल्स अपने पास रख रहे हैं, पास में खुद में रखना, अपने साथ साथ रखना, पजल्स करना, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे हैं, देन यू कैन बी बुक्ड अंडर दिस एक्ट एंड पीएस एक्ट, ठीक है ना। ये सेक्शन ये आपके लिए कहता है। सो व्हाट इज दिस सेक्शन? सेक्शन 8C सर्स एंड मैम, दिस इज द सेक्शन 8C सर्स एंड मैम। सो दिस सेक्शन इज रेड विद द अदर थ्री, ठीक है ना, तीन के साथ और हमें पढ़ना है। इसमें एक तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज द वन सेक्शन। दूसरा सेक्शन हमारे पास सेक्शन 20B, ये है यूज ऑफ कैनबीज को लेकर के, यूज ऑफ कैनबीज जो आप जानते हैं, ठीक है ना, कैनबीज उसके लिए है सर्स एंड मैम, ठीक है, यूज ऑफ कैनबीज। तो ये दो सेक्शन हो गए एनडीपीएस एक्ट का। एट सेक्शन 8C क्या कहता है वो आपको ध्यान में रखना है क्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 20B रिलेट करता है यूज ऑफ कैनबीज को लेकर के, राइट सर्स एंड मैम्स। नाउ सेक्शन 27 रिलेट्स टू कंजम्पशन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक ड्रग सब्सटेंस, ठीक है ना। सेक्शन 23 विच इज चार्ज ऑफ कंजम्पशन हैज अ मैक्सिमम चार्ज ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम चार्ज ऑफ 1 ईयर, ठीक है ना। सेक्शन 20C ये रिलेट करता है कंजम्पशन को लेकर के, जो नार्कोटिक ड्रग्स है या साइकोट्रॉपिक कोई भी सब्सटेंस है जिसको अगर आप लोग कंज्यूम करते हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा सेक्शन 8C, सेक्शन 20B एंड देन सेक्शन 27, ये हो गया आपके पास 8C, 27B एंड सो सम मैम्स एंड दिस 20B एंड 27, ठीक है सर। सो 8C हो गया, 20B हो गया एंड सेक्शन 27, तीन सेक्शन हो गया। चौथा सेक्शन है आपके पास 35, स्टेट्स दैट एक्यूज मस्ट हैव अ कल्पेबल मेंटल स्टेट, दिस मीन्स दैट इट इज अपॉन द अक्यूज टू शो दैट ही डिड नॉट हैव एन इंटेंशन मोटिव नॉलेज टू कमिट द ऑफेंस ही इज चार्ज्ड विद, ठीक है ना। सो ये थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं कल्पेबल मेंटल स्टेट को लेकर के है, जो बताया गया है कि जो बेचारा होता है उसको ये पता नहीं है, अपॉन द अक्यूज टू शो दैट ही डिड नॉट हैव एन इंटेंशन, उनके पास कोई इरादा नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, नॉलेज भी नहीं है टू कमिट द ऑफेंस ही इज चार्ज्ड विद, जो ये कमिट वो करने जा रहा है। तो एक चार्ज ये भी लगाया गया है। नाउ यू पीपल कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज इट मीनिंग, ठीक है ना। सो सेक्शन 35 का मतलब क्या है ये भी आप लोग सर समझ रहे होंगे, ठीक है। नाउ आ जाइए, अब जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं वो है क्या सर, ठीक है। सो सेक्शन 35 तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा उसका मतलब और मायने क्या है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे कि क्या क्या है सर से मैम्स। आपने 8C देखा, 20B देखा, 27 देखा एंड जो है आपने देखा 35 आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हुआ दैट यू पीपल कुड अंडरस्टैंड जो भी आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। सो अबाउट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 सर्स क्या है, इट इज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस। अब ये देखिए क्या है कि आजकल नार्कोटिक्स को लेकर के या जो भी साइकोट्रॉपिक जो भी सब्सटेंसेस हैं उसको हमें यूज नहीं करना है, ठीक है ना। उसको लेकर के कई इंटरनेशनल एफर्ट्स भी डाले गए, ठीक है ना, और उस इंटरनेशनल एफर्ट्स में इंडिया इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग मेंबर, ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट। सो इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशंस। किसके 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 तीन प्रोग्राम है, एक है सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स 1961 का, ईयर वाइज याद रखिएगा, मैच करने के लिए भी आ सकता है। दूसरा कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1971, ठीक 10 साल के बाद, ठीक है ना। द कन्वेंशन ऑन इलिसिट ट्रैफिक नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1988, सो 1961, 1971 एंड 1988, सो दीज आर थ्री यूनाइटेड नेशंस के जो है आपके जो है एंटी नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो है इनिशिएटिव्स हैं जिसका इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ पा रही है? देखिए इंडिया आप जानते हैं ना, इंडिया की छवि थोड़े से बाबर टाइप की छवि होती है, इंडिया हमेशा जो है जो भी कहीं गलत काम होता है, ठीक है, तो इंडिया उसकी पंचायत जरूर करता है। इंडिया उसमें क्या कहता है कि एक अपना शांति का, सहिष्णुता का, फिर उपदेश देने का, मतलब जानते हैं क्योंकि हमारे संस्कार में ऐसे हैं कि हमने कुछ गलत किया, देखा कि कुछ भी गलत होते हुए कुछ इमोरल हो रहा है, कुछ इलिसिट हो रहा है, डेफिनेटली वी गो एंड इंटरवीन टू दैट। हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हमारे संस्कार ऐसे हैं, आर यू नो ना। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यार से कि हमारा जो स्टेशन दैट इज ऑफ बाबा काइंड, ठीक है ना, जो हमेशा पंचायत करते हैं, मीडिएट करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि कहीं भी कुछ भी गंदगी हो तो साफ सफाई हो जाए, और इंडिया का इंटरनेशनल स्टेचर भी इससे काफी ज्यादा बढ़ता है, ठीक है ना। हम लोग ज्यादा लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखते, हम लोग प्यार मोहब्बत से रहने वाले कंट्री में ऐसे हैं, तो वी ऑलवेज ट्राई टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स जहां पर मेके हो सके कि वी फॉलो अ पाथ ऑफ गुडनेस, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सो ये तीन कन्वेंशन हैं इन रिगार्ड टू दिस जो हमारे पास नार्कोटिक ड्रग्स को लेकर के, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को लेकर के हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी अपना वजूद रखते हैं, काफी इंपॉर्टेंस उसका, और इंडिया इन तीनों का क्या है, एक मेंबर स्टेट है सर्स एंड मैम्स, ठीक है। दे प्रेस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल एम टू अचीव द डुअल ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। और ये जो है ना, जो वेरियस फॉर्म्स हैं किसके, कंट्रोल करने के लिए, ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, जो एम करता है, एम टू अचीव क्या है, पहला डुअल ऑब्जेक्टिव का क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स का यूज हमें लिमिट करना है। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू लिमिट द यूजेस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स,
जो नार्कोटिक ड्रग्स है उसके यूज को हमें लिमिट करना है, दैट इज वन थिंग. सो ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, एक तीर से दो निशाना करना है, ठीक है ना. तो पहला निशाना हमने साध लिया, लिमिटिंग द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, पहला. दूसरा हमारे पास क्या है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस फॉर मेडिकल एंड साइंटिफिक पर्पसेस, ठीक है ना. जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हमारे पास हैं उसका यूज हमें पीसफुल तरीके से फॉर पॉजिटिव सेंस में करना होगा, जिससे मेडिकल्स के लिए, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, एज वेल एज प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ द सेम, ठीक है ना. और इसके अब्यूज को भी हमें रोकना होगा, ठीक है ना. आपने देखा होगा बहुत सारे सेडेटिव मेडिसिन बनाए जाते हैं, ठीक है ना. बहुत सारे सेडेटिव मेडिसिन होते हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ती है, खास करके सर्जरी वर्जरी के टाइम में, इस टाइप पे. तो हम इसका मेडिकल यूज के लिए भी हमें इसको क्या करना है, हमें कैसे यूज करेंगे ताकि इसका मिसयूज ना हो सके, अब्यूज ना हो सके, हम इसको कर पाए, राइट सर. सर मैम, आई बिलीव यू मस्ट बी ओके विद दैट, राइट सर एंड मैम. सो वी डिड दिस नाउ, ठीक है. चलिए, नाउ वी डन दिस, ठीक है. नाउ सर सर मैम, नेक्स्ट. This basic legislative instrument of the government of India in this regard is the NDPS Act 1985, ठीक है ना. और ये जो हमारा इतना बिलीव है इन सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना. सो इसी के बिहा पे हमारे पास हम देखेंगे क्या, कि हमारे पास क्या है, जो बेसिक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड इज NDPS Act 1985, NDPS Act 1985, राइट सर्स एंड मैम्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर्स एंड मैम्स. सो दिस इज द, ये जो NDPS Act है हमारे यहाँ का 1985 का, ये इन सभी का फलसफा है, इन सभी का जो है रिजल्ट है, परिणाम है, कंक्लूजन है, सर्स एंड मैम्स, ठीक है. तो बैकग्राउंड आपने समझ लिया अबाउट दिस NDPS Act 1985, ठीक है. द एक्ट प्रोवाइड्स स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस रिलेटिंग टू द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को लेकर के हमारे यहाँ बहुत ही कठोर प्रावधान किए गए हैं इन जस्ट टू स्टॉप नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के मिसयूज को लेकर के, ठीक है ना. बहुत ही सख्त प्रावधान है भारत के अंतर्गत. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम इट फ्रॉम और यूज इन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस. अगर मान लेते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कोई मकान हो, दुकान हो, घर हो, गाड़ी हो, कहीं भी, अगर आपने नार्कोटिक्स ड्रग, जो भी आपके पास ड्रग्स है, या आपके पास जो ये आई मीन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अगर कहीं से पकड़ा गया है, दैट इज योर प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, गाड़ी, कुछ भी अगर हो, कहीं भी जमीन, तो आपके फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी भी करने का प्रोविजन है. सो दिस इज सो स्ट्रिक्ट सर्स एंड मैम्स. ड्राइव फ्रॉम और यूज इन इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनाल्टी इन सम केसेस वेयर अ पर्सन इज अ रिपीटेड ऑफेंडर. और सर्स एंड मैम, इतना स्ट्रिक्ट इंडिया का कानून है इसको लेकर के, कि अगर कोई भी नार्कोटिक ड्रग्स को लेकर के, या फिर जो हमारे पास साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को लेकर के, वो रेगुलर ऑफेंडर है, हमारे पास रिपीटेड ऑफेंडर है, अगर ये ऑफेंडर है सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना, ऑफेंडर है, तो आपने डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है. अगर बारंबार ये काम करेंगे ना, तो आपको समाज में कहेगा कि आप समाज में रहने लायक नहीं है, आपका ऊपर जाना ज्यादा जरूरी है, तो आपको डेथ सेंटेंस भी दिया जाता है. सो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वॉज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1986 अंडर दिस एक्ट. और ये जो NDPS एक्ट है 1985 का, इसी एक्ट के अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए एक बॉडी बनाई गई, दैट इज कॉल्ड ब्यूरो NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. दैट इज इन ईयर 1986, जस्ट आफ्टर वन ईयर 1985 में ये एक्ट आया, और 1986 में ये ब्यूरो स्टैब्लिश हो गया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. सर्स एंड मैम्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर्स एंड मैम्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट सर्स एंड मैम्स? फटाफट मुझे पहले दिल से अपनी बातें बताइए, चीजें समझ में आ रही है सर? ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको रिलेट करके पढ़नी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड मेक योर हॉरिजन ब्रॉडन, ठीक है ना. अब तो जिनको 2021 वालों को जो करना था प्रीलिम्स के लिए वो कर लिया, मेंस के लिए अब सारी चीजें हैं, तो मेंस के लिए सारा उनको देखना पड़ेगा. मेंस के लिए भी कई आर्टिकल्स यहाँ से आ रहे हैं, कुछ डिफेंस हैं, कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, तो चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी. जो 2022 वाले हैं लोग सावधान, अभी से मेहनत करना शुरू कर दिए, जितना कह रहा हूँ करते चले जाइए, नोट डाउन करते चले जाइए. और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कभी होती है तो थोड़ा सा माफी दे दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए, आप जब अगले साल एग्जाम दे रहे होंगे तो आपके लिए भी स्पेशल करना होगा, ठीक है ना, तो करेंगे हम, ठीक है ना. तो थोड़ा सा डेविएशन उधर हो गया, और बाय डिफॉल्ट 8 बजे का टाइम लग गया था, इसलिए हम थोड़ा सा सॉरी कर रहे हैं. अदरवाइज अपना टाइम वही है, वही सुबह मुलाकात अपनी होगी, सुबह 8 बजे रोजाना मुलाकात होगी. 10 तारीख तक की बात है, थोड़ा सा पीटी हो जाने दीजिए, हम लोग फिर से वापस अपने बैक ट्रैक हो जाएंगे, ठीक है सर. मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बच्चे समझदार हैं, मुझसे जो मोहब्बत करते हैं, जिनका मुझ पर भरोसा है, डेफिनेटली दे विल बी विद मी. मैं जहां भी होऊंगा, जिधर भी होऊंगा, यू विल बी विद मी सर्स एंड मैम्स, ठीक है. चलिए आ जाइए, आगे बात करते हैं. बस मैं इसी भरोसे के दम पे ये बात कह भी जाता हूं कि आप लोग कहीं है नहीं, यहीं हैं. नाउ आई ड्रोन का मतलब क्या है, ठीक है ना. ड्रोन का भी फुल फॉर्म है यहां पे, ड्रोन तो वही हम समझते हैं. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने काम किया है, क्या किया सर, लॉन्च किया है
ICMR का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्ट, ये जो डी है ना, डी का मतलब हो गया यहाँ पे ड्रोन, ये आर का मतलब हो गया रिस्पॉन्स, ओ का मतलब हो गया आउटरीच और एनी का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। सो ड्रोन नाम दिया गया है, लेकिन इस ड्रोन की परिभाषा है, ठीक है ना, इस परिभाषा को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है सर सर मैम्स, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर जो है, हेल्थ मिनिस्टर है, लॉन्च दिस ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज कॉल्ड आई ड्रोन, राइट सर सर मैम। आई ड्रोन को इन्होंने लॉन्च किया, डन सर सर मैम्स, आई ड्रोन, राइट सर। सो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च दिस ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन। जो डिलीवरी मॉडल है इज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट लाइफ सेविंग वैक्सीन एवरी रीच एवरीवन, ठीक है ना। अभी देखिए क्या है कि इस ड्रोन के माध्यम से हमें क्या करना, नाम से ही स्पष्ट है ड्रोन का यहां फुल फॉर्म क्या है, ICMR का ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट की आप जानते हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं कुछ भी है। सो इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी। अब ये जो डाइवर्सिफाइड रीजन है, ज्योग्राफिकल रीजन है, उन सभी जगह हमें वैक्सीन को अवेलेबल करवाना है, ठीक है ना। वैक्सीनेशन आप समझ पा रहे हैं ना, अभी किसका वैक्सीन चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए ICMR ने इनिशिएट लिया है, ICMR ने ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, दैट इज कॉल्ड आई ड्रोन। दिस इज अ डिलीवरी मॉडल, बेसिकली क्या डिलीवर करना है, डिलीवरी मॉडल है बॉस, ये क्या डिलीवरी मॉडल है, दिस इज टू डिलीवर, डिलीवर मॉडल है, इज एम्ड एट इंश्योरिंग द लाइफ सेविंग वैक्सीन रीच एवरीवन। जो भी लाइफ सेविंग जितने भी वैक्सीन है ना, वो हर तक पहुंच हो सके, हर किसी के पर पहुंच हो सके, ना केवल कोविड वैक्सीन बल्कि जितने भी लाइफ सेविंग वैक्सीन हो सकते हैं, एवरीवन शुड गेट विद इन मिनट्स, ठीक है ना, उनको मिल जाना चाहिए। सो इंडिया अगर इतना डेवलप कर गया है, तो ये सारी चीजें हमारे जो भी लोग हैं कहीं भी रह रहे हैं, उन सभी के पास ये सारी चीजें जो है सो उनको मिल जानी चाहिए। सो डिलीवरी मॉडल इज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट लाइफ सेविंग वैक्सीन रीच एवरीवन। सर्स एंड मैम्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आई बिलीव यू मस्ट बी गेटिंग इट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। Now, explain कर दे रहा हूं। It is the first time in India, जब मेक इन इंडिया पॉलिसी, अभी तक हम लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया, ठीक है ना। सो ये पहली बार है, पहली दफा है ये, ठीक है ना, जो first time that make in India drone has been used in South Asia, जो कि क्या किया गया, ड्रोन का यूज किया गया है, ड्रोन has been used in South Asia to transport COVID vaccine, ठीक है ना, मेरी बात सभी लोग समझ रहे हैं, COVID vaccine over an aerial distance of 50 किलोमीटर इन 12 से 15 minutes, ठीक है ना। जो 15 मिनट का जो aerial distance है, उसको 12 से 15 मिनट में कवर करते हुए कोविड वैक्सीन को पहुंचाया गया। ये पहुंचाया कहां गया, मणिपुर में पहुंचाया गया, जो है कहां, लोकटक लेक के पास, कहां से, बिश्नुपुर डिस्ट्रिक्ट से हॉस्पिटल टू लोकटक लेक एंड करांग आइलैंड इन मणिपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एट द PHC, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना सर्स एंड मैम्स। तो बिश्नुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लोकटक लेक तक पहुंचाया गया, करंग आइलैंड इन मणिपुर पहुंचाया गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सर्स एंड मैम्स, ठीक है ना। सो दीज आर थिंग्स सर्स एंड मैम्स जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो सी इंडिया कैसे जबरदस्त तरीके से डेवलप होता चला जा रहा है। एरियल रास्ता उन्होंने 15 किलोमीटर का 15 से 20 मिनट में तय, 12 से 15 मिनट में तय कर लिया। एरियल का मतलब समझ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ने में घंटे लगेंगे, ठीक है, या 12 से 15 मिनट में आपके पास इस बिश्नुपुर हॉस्पिटल से जो है सो लोकटक तो लेक के बारे में जानते ही होंगे, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, इसको मैप पे आप लोकेट भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर सर्स मैप, द एक्चुअल रोड डिस्टेंस बिटवीन दीज लोकेशन इज 26 किलोमीटर, और बाय रोड अगर हम बात करें तो घंटा लग जाना है आराम से। ये 26 किलोमीटर का रास्ता है, पहाड़ी रास्ते अगर होंगे तो जाहिर सी बात है टाइम 2 घंटा से कम क्या लगना है, ठीक है। सो इंडिया इज होम टू ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज एंड ड्रोन्स कैन बी यूज्ड टू डिलीवर एसेंशियल टू द लास्ट माइल, ठीक है ना। और ये ड्रोन के सहारे हम लास्ट माइल तक क्या कर सकते हैं, इसको डिलीवर कर सकते हैं। सो दिस इज अ डिलीवर मॉडल, राइट सर, आई ड्रोन इज व्हाट, इट इज अ डिलीवरी मॉडल, ठीक है। दिस वुड फैसिलिटेट वैक्सीन डिलीवरी टू टफ एंड हार्ड टू रीच टेरेन्स, और ये उन सारी जगहों पर पहुंचाएगा जहां पर मैं बोलते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो जहां ना पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे हमारा ड्रोन भाई, बात समझ पा रहे हैं। तो ड्रोन वहां जाकर क्या करेगा, उनको वैक्सीन को पहुंचाएगा, और कोई भी आदमी बिना वैक्सीन का अछूता नहीं रहेगा, हर किसी के पास ड्रोन जो है क्या लाइफ सेविंग जो मेडिकल वैक्सीन है वो अवेलेबल करवाएगा, ठीक है सर सर मैम्स। सो दैट इज द थिंग सर मैम। करेंटली जो ड्रोन बेस्ड डिलीवरी प्रोजेक्ट हैज बीन ग्रांटेड परमिशन फॉर इंप्लीमेंटेशन इन मणिपुर एंड नागालैंड as well as an Andaman and Nicobar, यानी कि अभी जो ये मॉडल है हमारा डिलीवरी मॉडल दैट इज बेस्ड ऑन द ड्रोन, ठीक है ना, वो तीन जगहों पे, एक तो पहले आपके कहा मणिपुर में है, दूसरा नागालैंड में, और तीसरा आपके पास अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत है सर सर। प्लेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है सर, इसको याद रखिए। दूसरी बातें हैं, जो ICMR है वो कंडक्ट करता है, कंडक्टेड एन इनिशियल स्टडी इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द ड्रोन्स
टू कैरी एंड ट्रांसफर वैक्सीन सेफली, ठीक है ना। ये जो ICMR है हमारा, ICMR कंडक्टेड एन इनिशियल स्टडी इन कोलैबोरेशन विद द IIT कानपुर टू टेस्ट द कैपेसिटी ऑफ द ड्रोन्स टू कैरी एंड ट्रांसफर वैक्सीन सेफली, ठीक है ना। सो अभी ICMR एक स्टडी भी कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, IIT कानपुर के साथ, कि देखना है कि कैपेसिटी क्या है ड्रोन की, कि जो कैरी करेंगे और ट्रांसफर करेंगे वैक्सीन को, दैट शुड बी सेफ एनफ, दैट इज सेफ एनफ, राइट सिस्टर मैम्स। तो ये भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जोस में हमने वैक्सीन भिजवा दिया, पता चला कि वैक्सीन को जितने टेम्परेचर पे मेंटेन करके जाना था, सेफली लेके जाना था, वो नहीं हुआ, अंदर कुछ रिएक्शन हो गया। तो इन सब का स्टडी भी होते रहना जरूरी है, जोस भी जरूरी है, लेकिन जोस है होश में होना बेहद जरूरी है, जोस में होश नहीं खोना है, जोस में होश को बरकरार रखना है। तो दैट इज ऑल्सो ये स्टडी यही बताता है कि वी आर मेकिंग एन इनिशियल स्टडी इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ, IIT कानपुर, वी आर का मतलब ICMR। सो ICMR और जो IIT कानपुर है, दे आर मेकिंग अ इनिशियल स्टडी ऑफ दैट। सो दीज स्टडीज प्रोवाइडेड promising results, sirs and ma'ams, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया, promising results देना शुरू किया, on the basis of which the Ministry of Civil Aviation, Directorate of General of the Civil Aviation and other regulatory authorities have granted permissions to fly drones beyond the visual lines of sight, ठीक है ना। visual line यानी ड्रोन जहां तक दिख रहा है उसके beyond भी जाके ये चल रहा है, just because of this study, sirs and ma'ams, ठीक है ना। सो हमको पता नहीं विजुअल लाइंस ऑफ साइट्स के beyond भी जा करके, यहां तो देख रहे हैं तब तो ड्रोन दिखाई दे रहा है जो हमारे आग से दूर, उसके बाद भी DGA ने इसको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है जाओ लेके जाओ, जस्ट बिकॉज दिस प्राइमरी स्टडी बिटवीन किसके बीच में, ICMR एंड IIT कानपुर के बीच में, ठीक है सर। सो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वॉल्व है ना सर, इनको प्लीज 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 ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स एवरीवन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स सर मैम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एजेंडा डॉक्यूमेंट फॉर 2021-22, राइट सर मैम्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एजेंडा डॉक्यूमेंट 2021 और 22 के लिए हम लोग थोड़ा सा काम कर ले, ठीक है ना। ये क्या है, देखिए सर, मिनिस्ट्री ऑफ जो कोल है फाइनलाइज किया है एजेंडा 2000 डॉक्यूमेंट 2021 और 22, ये भी कुछ इनिशिएटिव है, नया प्रयास है, ये भी बात करूंगा किस लिहाज से नया है, ये भी बता रहा हूं आपको। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने फाइनलाइज किया है एजेंडा डॉक्यूमेंट फॉर 2021 और 22 के लिए, राइट सर सर मैम्स, ठीक है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एन एजेंडा डॉक्यूमेंट फॉर इंश्योरिंग ईयर has been brought out in the form of compilation and provided to all senior functionaries who have been apportioned the responsibility of steering these four broad focus area through the year with regular monitoring appraisals, theek hai na। ye pehli bar hua hai ki agenda document ko for the ensuing year has been brought out in the form of compilation and provided to all senior functionaries who have been apportioned the responsibility of steering the four broad objectives, wo areas kaun kaun se hain, theek hai na। so ministry of coal has finalized an agenda document for 2021-22, jo focus hai ye hamare pe four areas mein kaun kaun se hai, coal sector ka reform hona zaruri hai, that is very important for geography as well sirs and maps, economy as well sirs and maps। acha ek cheez main aapko thoda ruk kar ke ek cheez batana chahunga, jaise khayal kuch agar aaye to nikal dena chahiye, aise khayal ko agar rakh liya humne na तो बड़ी देर हो जाती है, देर करना नहीं है, देर हो जाती है। ऐसा गाना सुना होगा ना अपना, वो हिना वाला गाना था, मैं देर करता नहीं देर हो जाता है या हो जाती है, जो भी गाना रहा हो। तो यही बात कह रहा हूं, जहन में कुछ बात आए तो जरूर कर देना चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैं अभी बता रहा हूं शेयर कर। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा सर सर मैम्स, कि जितने भी जो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सभी को जानता हूं, दे ऑल आर वेरी सीरियस स्टूडेंट्स। तो सीरियस स्टूडेंट के साथ सीरियस बातें थोड़ी होनी जरूरी है, और जो कि आपके काम की होनी चाहिए। सो दैट शुड बी दैट मस्ट बी मेंशन बिफोर यू सर सर मैम्स। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, मैं सर आपको ये कहना चाहूंगा कि आप में से सभी जितने भी लोग समझदार लोग हैं, जिन्होंने प्रीवियस इसके पेपर को देखा होगा, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को, मैंने जब से ज्वाइन किया है ऑनलाइन पे आपको हमेशा हर दिन बता जा रहा हूं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखते रहें, जो है पिछले साल के जो है क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करें, एंड सिलेबस को देखें। ये तीन बातें हमने कही, प्रश्नों को देखें, ट्रेंड एनालाइज कीजिए, सिलेबस को देखिए। अब आपने देखा है कि भाई जो भी बच्चे, जो भी मासूम बच्चे हैं जो आ रहे हैं अभी, बिल्कुल तैयारी करने का सोच रहे हैं, इरादा पूरा जज्बा लेकर के MIS निकाल देना है, यश जालुका की तरीके से और सत्यम गांधी की तरीके से और रिया की तरीके से, जो भी डावी की तरीके से, उन सभी के जैसे जिन्होंने वैसे किया वैसे आप भी करना चाहते हैं। लेकिन आपके अंदर एक दो चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि इसको अभी से देखना शुरू कर दिए, वो है क्या सर, बातें ये हैं सर कि देखिए आपको पता है कि GS में पढ़ना क्या, पॉलिटिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन में जाएंगे बैठेंगे सर सर मैम्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल प्योर पॉलिटिक्स से सवाल नहीं आना है, केवल प्योर इंटरनेशनल रिलेशन से नहीं आना है, प्योर इकोनॉमिक्स से नहीं आना है, प्योर ज्योग्राफी से नहीं आना है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो दे आर इंटरलिंक्ड, दे ऑल आर इंटरलिंक्ड।
आपके पास ये बिल्कुल पता होना चाहिए, अभी आपके पास टाइम है जो 2022 वाले बच्चे हैं, मैं उनको बता दूं। ये ना कहना कि सर नहीं बताया नहीं, हमारा काम है बताना, आपका काम है सुनना, आपका काम है भूलना। भगवान ने दो कानें दी हैं, बचपन में यही लोग बताते थे कि दो कान दिया है, एक से सुनो दूसरे से निकालो। लेकिन भैया ये जो दोनों कान का प्रयोग करेंगे ना सुनने के लिए और निकालने के लिए, तो फिर हो जाएगा मामला गड़बड़। तो कुछ चीजों को दिमाग में बिठाइए, ठीक है। ये मत सोचिए कि हाँ इधर से डाला गया और इधर से निकलेगा, नहीं, यहाँ बिठा के रखना है, दोनों तरफ से सुनना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। सर से मैम्स आप क्वेश्चन पलट के देखिए, आप देखेंगे विश्लेषण करके देखेंगे तो केवल आपका जब देख लें तो क्वेश्चन आपको केवल एक जगह से लिंक्ड नहीं है। इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर राइटिंग हिस्ट्री ऑल्सो, आई विल लेट यू नो कि हिस्ट्री में भी लोग कैसे पॉलिटी को इंश्योर कर देते हैं, कैसे IR की बातों को डालते हैं, कैसे इकोनॉमिक्स की बातों को डालते हैं। आई विल लेट यू नो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, बताऊंगा मैं आपको, जल्दी ही बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि प्लस पे हो या जहां कहीं भी हो आपको बताऊंगा जरूर। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है सर एंड मैम्स, ठीक है ना, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। तो अभी हम करंट अफेयर्स में देख रहे हैं, जैसे अभी यहां बात आ गई कोल सेक्टर रिफॉर्म्स, मैंने कहा कि ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कोल सेक्टर रिफॉर्म, आप समझ पा रहे हैं, कोल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है ना, संसाधन के रूप में आपको पढ़ना है कहां पर, ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको, ठीक है ना, और एनर्जी के सोर्सेज के रूप में आपको पढ़ना है कहां पर, यह पढ़ना है, इकोनॉमी में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो कोल सेक्टर रिफॉर्म्स है वो आपके ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके इकोनॉमी के लिए भी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच सर्स एंड मैम्स। तो इन बातों को प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात करें तो केवल क्रूड ज्योग्राफी ना पढ़ें, क्रूड इकोनॉमिक्स ना पढ़ें, बल्कि सतर्क रहें कि एक सिलेबस के किस एंगल को यहां पर टच किया जा रहा है, ठीक है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर्स एंड मैम्स। अगर आपने इस तरीके से पढ़ना शुरू किया ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक यू ऑन द राइट वे सर्स एंड मैम्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट सर्स एंड मैम्स, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, मैं बातें कम करता हूं आपके साथ, लेकिन जो बातें करता हूं वो बिल्कुल दिलो दिमाग से बात करता हूं, ठीक है ना। तो आप भी जो दिल और दिमाग दोनों वाले लोग हैं, मेरी बातों को थोड़ा सा टची हुआ करें और लिया करें, बात करने का मौका तो अपने साथ यही है, ऐसा तो नहीं कि फिजिकली हम लोग मिल रहे हैं, यहाँ पर चार लोग बैठे हैं, मेरी भी कुर्सी लगी हुई, आप लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, चाय पे मैंने आमंत्रण दिया, बातें करें। हम बात कब करेंगे, हम बात तो ऐसे ही करेंगे आपके साथ, तो यही पढ़ाई के वक्त जो भी मेरी बातें निकल करके आएंगी डेफिनेटली आई विल शेयर यू सर्स एंड मैम्स, ठीक है। सर्स एंड मैम्स मेरी बातें सब लोग समझ पा रहे हैं, इज इट क्लियर, पक्की वाली बात है, पक्का वाली बात है। सुप्रिया को हंसी आई लेकिन हंसी उन्होंने फिर से रिट्रैक्ट कर दिया, ये समझ में नहीं आया ये क्यों किया उन्होंने, ठीक है, ओके। सो ये दिल की बातें, थोड़ा सा मेरी बातों को दिल से समझ करके अपने पास जरूर रखिएगा, ठीक है ना, ये होना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए सर कि आप अपने ट्रैक को बिल्कुल क्लियर रखें, एकदम बिल्कुल एक आपका अप्रोच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। केवल आपको फुल स्टॉप प्लिम्स पे ही नहीं लगाना है, मैं बता दूं कि दिस इज नॉट ओनली प्लिम्स, मेरे साथ आपका सफर मेंस के लिए भी चलना चाहिए, ठीक है ना, मेंस के लिए भी चलते चलिए। आप ऐसी तैयारी करें कि एक बार में, पहली बार में ही सफलता आपके कदम को चुमे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, पढ़ा तो मैं सबको रहा हूं, लेकिन पढ़ते कितने लोग हैं, ये ईमानदार प्रयास से पूछना पड़ेगा। घंटे पुराना पढ़ाई नहीं होता है, बल्कि उन घंटों का यूटिलाइज आपने किस तरीके से किया है, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है पढ़ने के लिए। मैं बता दूं, मैं मानता हूं कि यहां जितने भी बच्चे मुझे देख रहे होंगे ना, 12 घंटा बोल दूं तो 12 घंटा पढ़ेंगे, 14 घंटा बोल दूं 14 घंटा पढ़ेंगे, पूरा भरोसा है। मैंने नहीं मिला हूं आपसे, लेकिन मुझे पता है कि ये जो अग्नि का स्टेज है ना, आप लोग अग्नि के स्टेज में है, ये दहक रहा है आपके आंखों के अंदर, अभी रिजल्ट आया, आपने देखा कि सारे के सारे यंगस्टर्स पहली बार में, कई के सिलेबस तक कंप्लीट नहीं, अंडर द रैंकर्स, आपके अंदर भी वो अग्नि है, वो ज्वाला है, आप कर सकते हैं। लेकिन चीज यह है कि बात ये, मुद्दा यह है कि आपको उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, कि कैसे उसको यूटिलाइजेशन करना जरूरी है। यूटिलाइज अगर नहीं कर पाएंगे ना, अप्रोच गलत कर देंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यही समय होता है निर्णय लेने का, ठीक है, निर्णय आपको लेना होता है कि करना मुझे एग्जैक्टली क्या है, ठीक है सर्स एंड मैम्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, ठीक है। बात करूंगा मैं अभी आपसे, रह रहे के बातें करता रहूंगा, ठीक है ना, सभी लोग मेरी बातों को समझते रहिए और एकदम जोश रखिए, एकदम बिल्कुल आग, एकदम आग की तरीके से एकदम बिल्कुल पढ़ते रहिए, ठीक है ना। दैट इज मतलब मैं जो बता रहा हूं ना, मतलब एकदम फायर को आउट मत होने दीजिए। और एक बात बता दूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, समय के साथ साथ ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा, जैसे ऊर्जा होता ना, उसमें कमी आती जाती है। इस पे याद रखिए, आपके इंडिविजुअल बात बता रहा हूं आपको, जो आप रियलाइज करें ना करें, समय के साथ साथ आपके अंदर ऊर्जा धीरे धीरे क्षय होता जाएगा। जितने यंग होंगे ऊर्जावान उतने ही ज्यादा आप होंगे, यानी कि पहला प्रयास जबरदस्त शक्ति के साथ देंगे, दूसरा प्रयास थोड़े कम शक्ति के साथ, तीसरा प्रयास और भी कम के, चौथे के साथ से तो मन पता नहीं क्या होने वाला, दिस काइंड ऑफ फीलिंग यू विल गेट। मैं सबके बारे में बात नहीं करता, लेकिन कुछ और लोगों के बारे में बात मैं करता जरूर हूं, कि जो आमतौर पर लोग दिखाई देते हैं कि पहली बार एकदम दिया एकदम लगा दिया, एकदम 14 घंटा 12 घंटा 18 घंटा एकदम लपेट दिया एकदम पढ़ाई को, लेकिन जब आया धीरे धीरे समय, एक बार में आउट हो गए, दो बार में आउट हो गए, खुद का भरोसा जाने लगा, पीछे हटना शुरू कर दिया, नहीं करना है। यू हैव टू बी ऑलवेज अ
फ्रंटलाइन वॉरियर होना है, लेकिन यही समझिए कि हमें जो फ्रंटलाइन अगर वॉरियर हूं तो मेरा आप्ट होना चाहिए ऐसा कि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि पहले बार में विजय हमारे पास हो, फतेह हमारे पास हो। सर मैम समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिलेबस, पिछले साल के प्रश्न पत्र को देखना समझना बेहद जरूरी है, सारी चीजों को करना बेहद जरूरी है सर एंड मैम्स। ठीक है, सो सभी लोग समझ पा रहे हैं ये। सो अनिता, मैंने आपको दिखा बताया, अभी आपने देखा कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 15 का अंक इंटरव्यू किया, उन लोगों ने स्कूल से तैयारी शुरू कर दी। उनकी बड़ी बहन भी थी टीना डाबी, जो भी राजस्थान कैडर में आईएएस हैं, उन्होंने भी क्या कर दिया, पहले प्रयास में ही क्लियर किया, ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी और 12वीं से उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी थी, स्कूल डेज से पढ़ाई शुरू कर दी थी। उनका मिशन ही यही था। उनकी मदर ने अपने दोनों बच्चों को आईएएस बनाने के लिए, उन्होंने जो खुद ब्यूरोक्रेट थी, उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया, दोनों बच्चों को टाइम दिया, उनके घर में मेंटोरिंग थी, उनकी मदर की मेंटोरिंग थी, गाइडेंस था कि हाँ आपको कैसे मूव करना है। ठीक है, और यही कारण थे कि दोनों बच्चे उस गाइडेंस और मेंटोरशिप की वजह से पहले अटेम्प्ट में पहले आपने दोनों आईएएस बन गए, एक ने फर्स्ट रैंक, दूसरे ने 15th रैंक। अरे सर, दो चार नंबर, पांच नंबर इधर उधर हो जाता है, दोनों ही टॉपर हैं, आईएएस हैं, समझ पा रहे हैं? तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर मैम, इसको ध्यान जरूर रखिए। ठीक है सर, चलिए फिर आगे बात करते हैं। सो कोल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गया, कोल ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी हो गई, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो गया एंड फ्यूचरिस्टिक एजेंडा, ये चार जो हैं एरियाज हैं, फोकस एरिया हैं, जो कि एजेंडा डॉक्यूमेंट फॉर 2021 और 22 में मेंशन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा, जो कि फाइनलाइज्ड है नाउ। जो एजेंडा कवर्स द एंटायर गमेट ऑफ एरियाज फॉर स्टीयरिंग द कोल सेक्टर इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज व्हाइल फोकसिंग ऑन द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ इंश्योरिंग सेट प्रोडक्शन टारगेट्स इंक्लूडिंग 1 बिलियन टन बाय 2024 तक। ठीक है ना, सो ये हमारा टारगेट भी याद रखना है कि एजेंडा कवर करता है इंटायर गवर्नमेंट ऑफ एरियाज फॉर स्टीयरिंग द कोल सेक्टर इनटू न्यू टेक्नोलॉजीज व्हाइल फोकसिंग ऑन द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ इंश्योरिंग सेट प्रोडक्शन टारगेट्स इंक्लूडिंग द 1 बिलियन टन बाय 2024। दिस इज द टारगेट, ये याद रखिएगा। कोल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या करना है, ठीक है ना, तो कोल सेक्टर का रिफॉर्म करना है, इसके अंदर क्या करना है, मैंने बोला ज्योग्राफी इकोनॉमी दोनों से रिलेटेड है। तो जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2021-22 का है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 झरिया मास्टर प्लान हमारे पास होना चाहिए, सेफ्टी इन कोल माइंस इशू है, कोकिंग कोल की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हमें देखना होगा, कोल डिस्पैच एंड स्टॉकिंग के बारे में देखना होगा, कोल एक्सपोर्ट इन नेबरहुड कंट्रीज में देखना करना होगा, जो पड़ोसी मुल्क हमारा वहां पर कोयले की हमें का निर्यात करना होगा, एंड स्ट्रेटेजी टू बूस्ट कोल प्रोडक्शन ऑफ माइंस एलोकेटेड थ्रू ऑक्शंस। ठीक है ना, और जो हमें देखना क्या है कि कोल के प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। सो ये जो हमारे पास है कोल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए चीजें कही गई हैं। अगर आपके पास ज्योग्राफी में आ जाए मेंस में लिखने के लिए कि कोल सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए इकोनॉमी में, तो दीज आर द सीधा 100 रिकमेंडेशंस जो कि आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट डेट डॉक्यूमेंट जितने भी चीजें आती हैं उसको सर देखा जरूर कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज इस लिहाज से ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एट द सेम टाइम जो कोल ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबिलिटी कवर है ना, कवर्स द एरिया ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कोल ट्रांजिशन, मोनेटाइजेशन ऑफ डी कोल्ड लैंड, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब देखिए हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, इन डेटा माइनिंग, ड्रोन्स एंड सस्टेनेबिलिटी, नेट जीरो इमिशंस सोर्स एंड मार्स। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग सेगमेंट ऑफ द अबव एजेंडा कंटेन्स रिफॉर्म्स इन कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CCO, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन CMFO, अपग्रेडिंग कोल टेस्टिंग लैब एंड स्टाफिंग क्वालिटी एंड ट्रेनिंग इश्यूज। तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए देखें, यानी कि संस्थागत विकास के लिए अगर हम लोग बात करें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए, तो हमें क्या करना होगा, एजेंडा में रिफॉर्म किया गया है कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, कंटेंस रिफॉर्म्स, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, अपग्रेड करना है कोल टेस्टिंग लैब्स को एंड स्टाफिंग क्वालिटी को एंड ट्रेनिंग इश्यूज को। सो एक तरफ संस्थागत जो भी हमें क्या करना है, सुधार भी करने पड़ेंगे, देन वी कैन गेट द जो हमें डिजायर रिजल्ट है, देन वी कैन ओनली गेट दैट, राइट सर मैम्स। फ्यूचरिस्टिक एजेंडा इंक्लूड क्या करता है, कोल टू केमिकल, जैसे सिन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, लिक्विड फ्यूल्स हो गए, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है ना, CIL हो गया, डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस, अनएक्सप्लोर्ड प्रॉस्पेक्ट इन सनराइज इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स में, EVs में, एक्सेट्रा, एक्विजिशन एंड मर्जर्स ऑफ सिमिलर और न्यू बिजनेसेस आफ्टर ड्यू डिलीजेंस, मीडिया कैंपेन एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ CSR एक्टिविटीज सर एंड मैम्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स सर एंड मैम्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। ठीक है सर एंड मैम्स, सभी लोगों को समझ में आ गया, चीजें सबकी समझ में आ रही है, PDF अभी आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों के लिए कि देखिए सर, 6 अक्टूबर से बैचेस शुरू हो रही है, मेरी अभी क्लासेस खत्म हुई है आपकी गवर्नेंस की, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, और अभी पॉलिटी का करंट अफेयर्स बेस खत्म हुआ है, और अभी जल्द ही आपका जो है इंटरनेशनल रिलेशंस आ गया है, लाइव हो चुका है क्लास, आप देख रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया है हमारा जो है, वो 2 ईयर मिशन वाले बैच में ही है, देन हमारे पास पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का है, पॉलिटी भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है, मॉडर्न
इंडिया भी आ रहा है, आर्ट एंड कल्चर भी आ रहा है, सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो जो भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ कुछ चीज़ का तरीके से चीज़ों को किया जाए, तो आपको करना चाहिए। और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, सो वेट फॉर दैट सर्स एंड मैम्स। ठीक है सर्स एंड मैम्स, सो फटाफट सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए सर, जिनको भी ज्वाइन करना है यूज माई कोड फॉमेंटिन का, और मैं कहूँगा कि आइकॉनिक के लिए हमेशा जाए, जस्ट गो फॉर आइकॉनिक सो दैट यू कैन गेट माई पर्सनल एक्सपर्टीज, माई पर्सनल गाइडेंस। आई विल बी देयर, देखो अनअकैडमी की तरफ से भी आपको एक मिलेगा और मेरा गाइडेंस रहेगा, मैं बताऊंगा कि वैसे वैसे काम करें, वो अप्रोच के साथ लिखिए, वो आपको बताएगा, वो चेक करके आपको बताएंगे कि क्या क्या सही है क्या गलत है कैसे करना हो, एंड आई विल गिव यू द इनपुट। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्टली जुड़िए, मुझसे कनेक्ट होइए, मैं बताऊंगा सर्स एंड मैम्स। 18th से अक्टूबर से कई बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए और आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स के लिए सर्स एंड मैम्स। सो इन बैचेस को भी इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल बैचेस को ज्वाइन जरूर कर लीजिए सर्स एंड मैम्स। ठीक है, सो इतनी बैचे हो गई। वीकेंड बैच, करंट अफेयर्स बैचेस भी 2nd अक्टूबर से शुरू है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्स एंड मैम्स। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा सर्स एंड मैम्स, भूलिएगा मत, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम। ठीक है ना, सो ये हो गया। अब आइए मैं बताऊं कि आपको जब सब्सक्रिप्शन लेना होता है तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने बोला कि ना आइकॉनिक के लिए जाना, ठीक है सभी लोग समझ पा रहे हैं, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्स एंड मैम्स। तो ये आप देखिए, ठीक है ना, जो लोग ले सकते हैं वो लीजिए, जो नहीं ले सकते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मेहनत करते चले जाइए आप लोग, बस मेहनत करते चले जाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के लिए स्वर्णिम इतिहास रहा है, इस बार आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, कि अनअकैडमी का रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। जो हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं 2020 के यूपीएससी के, ये आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे टॉपर्स हैं, जो आपके ऑल इंडिया रैंक जो है 1 से 20 में 7 लर्नर्स हैं, 21 से 100 में 20 लर्नर्स हैं, और 101 से लेकर 761 तक 142 लर्नर्स हैं सर्स एंड मैम्स। तो इनको आप ज्वाइन करें, सो दीज आर द रिजल्ट्स, इनको आप देखेंगे जो डिफरेंट स्टेजेस पे अनअकैडमी के साथ जुड़े रहे हैं सर्स एंड मैम्स। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखेंगे कई आपका जो है सो हर एक संडे को आपका क्या होता है, अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है, तो पावर 10 का कोड अप्लाई करके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं सर्स एंड मैम्स। ठीक है सर्स एंड मैम्स, सो आपने देख लिया सर्स एंड मैम्स, सो दिस वाज दैट, इस 3rd अक्टूबर को भी हुआ है, यानी कि परसों तरसों। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्स एंड मैम्स बात को ध्यान रखिएगा कि आप जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसा करें कि 1 ईयर का लें, जिससे कि आपको बुक भी मिल जाए, और मेरे से बात करें, मैं बताऊंगा बुक्स को मैं इसे क्या करना है, कैसे इसको देखना है, रिविजन के लिए देखना है, कुछ रेफरेंस मटेरियल के लिए देखना है, कैसे देखना है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो आपको मैं बताऊंगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि इस बुक के साथ खासियत क्या है कि दे आर अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, इवन कोविड को भी पूरा जोड़ के देखा गया है, मैंने देखा है, मैंने आपको अभी ओपन करके बताया था ना, जो मैंने इसके अनबॉक्सिंग करी थी, मैंने दिखाया था कि जो बुक्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो पढ़िए, रिविजन के लिए बहुत अच्छा मटेरियल है, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे किन चीजों को यहां से आपको निकालना है। आप मेरे टच में रहेंगे, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, डेफिनेटली आप मेरे कोड का प्रयोग करें, आए मेरे साथ जुड़े, आप मेरे डायरेक्ट गाइडेंस बनेंगे, मेंटोरशिप में होंगे, लगातार मेरी और आपकी बातचीत होती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, मैं बताता चलूंगा एक एक स्टेप पे कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सो जनरल स्टडीज 1 में आप देखेंगे ये सारी सब्जेक्ट्स हैं, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज 3 और जनरल स्टडीज 4, इन सभी का आपके पास कुल मिला के 20 बुकलेट दिया जाएगा सर्स एंड मैम्स। ठीक है ना, सो डोंट मेक अ डिले, ठीक है, और इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड पावन10। इसके अलावा कोई अगर चाहता है कि आपको लोन की फैसिलिटी चाहिए तो लोन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे ही लिंक दिया गया है, उसमें मेरा नाम, मेरा जो है सो कोड डालिए पवन कुमार पवन10, और अपने 3 जो है सो डिटेल डाल के उसको सबमिट कीजिए, वहां से फोन आ जाएगा और आप अकॉर्डिंगली पवन10 का कोड अप्लाई करके आप ले लीजिए, मेरे गाइडेंस और मेंटोरशिप पे रहेंगे। लेकिन कोई दिक्कत अगर आए तो बेहिचक है मुझे फोन कर लीजिए, मुझसे बातें कर लीजिए, जैसे भी आप मेरे से जुड़े हुए हैं वैसे मेरे से जुड़ के मुझे बताइए। ठीक है सर्स एंड मैम्स, सो 0 प्रोसेसिंग फी है, 0 इंटरेस्ट रेट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सर्स एंड मैम्स। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं कि टेस्ट सीरीज वगैरह चल रहा है अक्टूबर का, अनअकैडमी 2.0। अब देखिए आपके पास क्या है सर, कि जैसे हम आते हैं तो प्लस पे जब सब्सक्रिप्शन लेने का आप सोचते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन होता है आपके पास प्लस का, दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है आइकॉनिक का। ठीक है ना, आइकॉनिक का, सो प्लस में सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, सारी क्लास, कभी कुछ छूट गया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियोज में एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं जब तक आप समझ ना लें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है, डाउट सेशंस भी होते हैं डेडिकेटेड, यू कैन ज्वाइन देम। ठीक है, सो लाइव क्लासेस सर्स एंड मैम्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एज पर यूपीएससी सिलेबस एंड एज पर यूपीएससी कैलेंडर, राइट सर्स एंड मैम्स, अनलिमिटेड एक्सेस एंड वीकली टेस्ट हुआ करती है। ठीक है सर्स एंड मैम्स, अगर आपको लगता है कि इन सभी के अलावा मुझे एकदम बिल्कुल पर्सनल लेवल पे एक मेंटोरिंग चाहिए, कम आइकॉनिक इज वेलकमिंग फॉर यू, इसीलिए मैं कह रहा था आइकॉनिक में आए, पर्सनल गाइडेंस लें मेरा, टेस्ट एनालिसिस करें, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए यूजिंग द कोड पावन10 सर्स एंड मैम्स। सो इफ यू वॉन्ट टू बी दैट, सो देखिए, इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग ग्रेट, यू विल हैव टू डू समथिंग ग्रेट एट द इनिशियल स्टेज। ठीक है ना, यू विल हैव टू टेक द डिसीजन। ठीक है ना, एंड यू शुड बी इन द ग्रुप ऑफ दोज पीपल जो कि इनके अंदर पोटेंशियल है, जो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और करने वाले हैं,
जितनी जल्दी हो सके उसमें आप शामिल हो जाइए। बी अंडर अ मेंटर, एक्सपर्ट मेंटर, गाइडेंस, मेंटरशिप, सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है ना। हम में से कई लोग होते हैं सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं। इट्स नॉट द टाइम टू वेस्ट ओवर प्लानिंग, कि सोचना ज्यादा है, सोच नहीं, प्लानिंग पे नहीं, बल्कि सोचने पे ज्यादा टाइम व्यक्त नहीं जाया नहीं करना है, प्लानिंग पे तो करना ही करना है, स्ट्रेटजी बनाने पे तो करना है, बट वी कैनॉट अफोर्ड द टाइम ओवर थिंकिंग करना। नहीं, अरे यार क्या है, आप में से मैं बताऊं, मैं कई बार, एक बार की बात है, मेरा एक दोस्त था, टुडे ही इज एन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, लोअर पे है, बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है ना, बीडीओ, ठीक है। तो एक बार आया दिल्ली पढ़ने के लिए, उसके पापा इंजीनियर, ठीक है ना, बढ़िया इंजीनियर, और यहाँ सरकारी गवर्नमेंट में थे, इकलौता बेटा, जमीन जायदाद से भी पूरा का पूरा। तो एक बार क्या हुआ ना, कि आप सी द मेंटालिटी, मैं बताऊं कि मेरे दोस्त की बात है, मैं बताता हूं, मुझे ऐसा समझ में आया, मेरा दोस्त गया एक टीचर के पास, गया पैर छू के प्रणाम किया, और पहना क्या था, तो रेड शेप का जूता, रेड शेप का जूता, सुन रहा होगा तो आज मुझे फोन करेगा, कभी सुन लेता है कभी कभी मेरी बातों को, वो कि बोलता रहता है तो करेगा फोन, तो बताएगा, समझाएगा हमको। तो रेड शेप का जूता पहने हुए था, और लेवाइस का जीन्स, और जो है सो क्या कहते हैं उसका कलर प्लस का शर्ट पहने हुए था, फोल्ड वोल्ड कर लिया, और सोने का इतना मोटा चेन था, अंदर ढक लिया, समझ पा रहे हैं ये। और क्या किया, शर्ट को ना पहले अनटक, मतलब टक था, उसको बाहर निकाला, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, उनका डायरेक्ट डायरेक्टर के पास, ओनर के पास गया, ही वॉज ऑल्सो टीचर, उनको पैर छू के प्रणाम किया, एंड बोला कि सर किसान परिवार से हैं, बहुत गरीब हैं, ठीक है, तो सर थोड़ा सा रियायत कर दीजिए, थोड़ा सा ऐसे करके। तो उन्होंने उनके उसके उन्होंने उनके पीठ पे हाथ डाला और बोला, अरे कोई बात नहीं है, तुम गरीब हो तो पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे क्यों नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जाने के बाद कुछ लोगों से पता चला कि बोला इसकी गरीबी तो पूरी तरीके से बाहर झलक रही थी, मेरी बात समझ पा रही है। तो ऐसे भी कुछ लोग हम लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि जो नहीं है, जेन्युइनली आप यूट्यूब पे पढ़िए, हमारे साथ जुड़िए, एक एक चीज़ बताइए, क्या कमी छोड़ा है आपके लिए, क्या नहीं पढ़ाया, पूरी पॉलिटी पढ़ाई, पूरा हिस्ट्री पढ़ाया, पूरा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, पूरा इन्वायरमेंट पढ़ाया, पूरा आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आपको लगता है ऐसा है कि हम आपके साथ कोई बात करें, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ भी बात नहीं, आपके लिए पूरा का पूरा 2,500-2,500 क्वेश्चन करवा डाले आपके आपके ऊपर जाकर, जिसके एग्जामिनेशन होने तो दीजिए, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। पिछले साल भी आपने देखा कि सारी क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया वहां से क्वेश्चन है, तो कल मन छोटा नहीं करना है। बस मैं इसलिए बस कह रहा हूं कि कभी अगर आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी तकलीफ अगर आए, तो एक बार थोड़ा सा जो कहते हैं थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं। ऐसे हमारे सोसाइटी में होता रहता है, अल्टीमेटली इट इज फॉर योर कैरियर, ये आपके कैरियर की बात है। आप देखिए कि कोई आदमी आईएएस का बच्चा भी है, खुद उसके घर में आईएएस के मेंबर हैं, फिर भी वो कोचिंग क्यों जाते हैं, उसके तो पूरा माहौल बना पड़ा हुआ है, वो उसकी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी हुई, क्यों कोचिंग करता है, क्यों वो क्लासेस लेता है, इसलिए कि बहुत जल्दी सारी चीजें समाप्त हो सके, एक जगह बांध बंधा हुआ रहे, और उसके बाद मुझे मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता होना, तो पता चलता है क्या है कि शुरुआती दौरान बच्चे भटकना शुरू करते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बाएं दाएं सब कुछ सोचते हैं, टाइम जा रहा है, टाइम इज प्रीशियस, मैं बता रहा हूं ना, और टाइम के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन किसका, एनर्जी का, टाइम बढ़ेगा एनर्जी घटेगा, सीधा इनवर्सल प्रोपोर्शनल रिलेशन, टाइम बढ़ा एनर्जी घटेगा। तो सर क्यों नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो मन भी छोटा नहीं करना है, पढ़िए, सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, पढ़िए, बस थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ज्यादा होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वी कैन डू, हमारे अंदर ये स्प्रिट होना चाहिए, मन छोटा नहीं करना है, एकदम हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि रास्ता अगर आसान होता है, क्यों नहीं रास्ता आसान बनाते, मेक योर वे सिंपल, सिंपल बॉस, सिंपल बनाना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, बस बता रहा हूं आपको, बाकी चीजें तो आप लोग ठीक है, आप लोग सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना सर, ठीक है। सो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां भी मेरे से जो भी हेल्प होगा जस्ट टेक इट, ठीक है सर। तो मैंने आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बता दिया एंड प्लस भी बता दिया, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सर क्या है कि प्लस पे आइए, जीएस पे आइए, प्लस वीएस पे लेते हैं। तो देखिए जीएस का है, फीस है सर, 6 ऑप्शन है आपके पास, 6 महीने का ऑप्शन है, 1 साल का ऑप्शन है, 2 साल का और 3 साल का ऑप्शन है, ठीक है ना। आपने इनमें से किसी के ऊपर भी पावन टेन का कोड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, फोर से कि आपने 1 साल का 4,500 रुपए का लिया, अप्लाई किया, कीमत आपको 44,550 रुपए देनी पड़ेगी, ठीक है ना सर, ठीक है। उसके अलावा आइकॉनिक लिया, पवन 10 का कोड अप्लाई किया, पवन 10 का कोड अप्लाई किया आपने सीधे, मान लिया कि आपने 2 साल का आइकॉनिक लिया, जो मैं हमेशा कहता हूं आइकॉनिक लीजिए, गाइडेंस, मेंटरशिप, सब कुछ एकदम करते रहिए, कब से करना वो मैं बताता रहूंगा, 1,15,750 रुपए का पवन 10 का कोड अप्लाई किया, 1,04,175 रुपए का, सारे सब्जेक्ट्स के साथ लीजिए, जीएस में 1 साल का लेंगे 14,500 का, 1 साल का पड़ेगा 67,050 रुपए का, ठीक है ना, ऑसम फीलिंग आएगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ऑप्शनल के लिए जाते हैं तो 3 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए, मान लिया कि आपने 1 साल के लिए 27,500 रुपए का इस कोड का अप्लाई किया आपने पवन 10 का आफ्टर डिस्काउंट, ये जो है 24,750 रुपए, यू विल हैव टू पे ओनली सर्स मैम, केवल इतना ही पे करना पड़ेगा, ठीक है ना सर। सो यू कैन डू दिस वे, ठीक है। सो सर्स मैम, तो यही बातें मैं कह रहा था, फटाफट सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जानते हैं कौन सा है, @ कुछ नहीं करना है, @ पॉलिटी ग्रू, एक साथ लिखना है पॉलिटी ग्रू,
जिन लोगों को नहीं लिंक मिलता है सीधे यहाँ डालिए पॉलिटी गुरु, सीधे पॉलिटी गुरु पे आ जाइए, ठीक है। मेरा फोटो लगा हुआ होगा, ब्लू कलर का टी शर्ट है, ऐसे करके पहना हुआ। मैं सोचता हूँ चेंज करके थोड़ा सा और बढ़िया वाला फोटो लगा दूं, ताकि आप दूर से बजा रहे यही अपने पवन सर है। सो पॉलिटी गुरु का टेलीग्राम ग्रुप जस्ट डू ज्वाइन इट सर, मैं अभी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, मिलते हैं सर। और करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा सहयोग करते रहिए, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा जिस फिल्म की वजह से कि थोड़ा सा उनके प्लस वाले बच्चों को थोड़ा देखना पड़ा है। तो सुबह 8 बजे से मेरी क्लास लगी हुई थी, आप देखेंगे जाकर मेरे प्रोफाइल पे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके कुछ एक और काम करना है आप लोगों के लिए, वो कर कुरा करके फिर रख दूँ, उसके फिर 10 तारीख तक खाड़ लिए बात है। तो थोड़ा सा 4 बजे सर कभी ऐप पे हो सकता है कि 8-9 को हम लोग ऐप पे क्लास ले लें, हो सकता है कि क्लासेस थोड़ा यहाँ तो ऐसा थोड़ा चलेगा, थोड़ा सा ना बस 2-3 दिन की और बात है, 2-3 दिन की और बात है, ठीक है ना। प्लीज डोंट माइंड इट, है तो आप भी अपने हैं और मैं भी अपना ही हूँ, ठीक है, घबराने की बात नहीं। सो मिलते हैं सर से मैम, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। और मैं पीडीएफ अभी अपलोड करने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, एंड डोंट फॉरगेट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी कोई दिक्कत हो तो पवन सर से, अपने पवन सर से बात करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, डायरेक्टली। ओके, बाय बाय सर्स एंड मैम्स।